फ्रेंड, इस तरह के वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सके, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से आपका एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। आपको मीडिया में जाके आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आ जाने के बाद आपको सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करके इसका वॉल्यूम कम कर लेना है। ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। आपको सिर्फ ऐसे खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ वहाँ थोड़ा आप देख लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ अपने टोपी को नीचे कर देना है। बस फिर ऐसे सिर्फ चलना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने टोपी कब नीचे किया आपको वो देखना है। अभी आपने ये जैसे टोपी नीचे किया, ठीक है, जैसे आपने वो टोपी नीचे किया आपको वही वाले भाग में यहाँ स्टॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको ट्रिम पर जाइए, स्प्लिट एड प्ले हेड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये पीछे वाला भाग है, ये सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये वाला भाग है उसको पहले आपको एक्सपोर्ट करना है। सेव वाले बटन में जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप वापस आएंगे इसी प्रोजेक्ट में, आपको यहाँ पे ये वाला क्लिक करना है, वापस ये वाला आ जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, जो पहले वाला क्लिप था उसको डिलीट कर देना है, और जो सेकंड वाले क्लिप है उसमें आपको उसको थोड़ा स्लो मोशन कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको इसको ये 0.5 कर देना है, ओके कर दीजिए। फिर इसको भी आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे शेयर वाले बटन में जाके आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपको मीडिया में जाना है। उसके बाद आपको वहाँ से हीरो वाला जो इमेज मैं दूंगा आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले उस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हीरो वाला इमेज आ जाने के बाद आपको ये वाले इमेज को अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर देना है। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, आपने जितना रिकॉर्डिंग किया रहेगा उसके हिसाब से। इसके बाद आपको वापस आगे आना है। इसके बाद आपको लेयर पर जाना है, और लेयर पर जाकर आपको वापस मीडिया पर जाना है, और वहां से आपने जो सबसे पहला वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये वीडियो आ जाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, इसको स्प्लिट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आना है। फिर यहाँ पर आपको वापस लेयर पर जाना है, वापस मीडिया पर जाना है, और आपने जो सेकंड वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको लेकर आना है। ये सेकंड वाले वीडियो आ जाने के बाद इसको भी वापस सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और इसको स्प्लिट कर देना है और ओके कर दीजिए। इसके बाद जो ये सेकंड वाले वीडियो आपने लिया हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए, और इसका आपको पहले क्रोमा की करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाइए, क्रोमा की में जाइए, और आपका जो स्काई का कलर है उसके हिसाब से आपको इसका क्रोमा की करना पड़ेगा। इसको ऑन कीजिए, और आपका स्काई का कलर अगर ब्लू है तो ब्लू ही रखिए, और इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए आगे पीछे ये वाला करके, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आपके हिसाब से। सबका एडजस्टमेंट अलग रहेगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका क्रोमा की हो जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको कार भी थोड़ा सा दिख रहा है। इसको आपको हाइड करना है अगर, तो आप लेयर पर जाइए, फिर यहाँ पर आप इफेक्ट पर जाइए, इसके बाद आप ये बेसिक इफेक्ट दिख रहा है उस पर जाइए, इसके बाद आप ये पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको, इसको इधर पर ला दीजिए, पीछे कर दीजिए। इसके बाद आप इसको ओके कीजिए। उसके बाद वापस सेटिंग में जाइए और थोड़ा सा इसका स्क्रीन बढ़ा दीजिए ताकि वो दिखे ना, और ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अब इसको वापस से एक बार प्ले करके देखिए, देखिए अभी दिख रहा नहीं है ना। अब आपको वापस दोनों वीडियो के बीच में जाना है, यहाँ पे सेंटर में जाना है जहाँ पे आपने टोपी पहना है। यहाँ पर आकर आपको वापस लेयर पर जाना है और वापस मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ पे आपका जो बम ब्लास्ट होता है उसका वीडियो क्लिप आपको सेलेक्ट करके लेकर आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये आ जाने के बाद आपको पहले इसको ओके करना है, उसके बाद प्ले करके देखना है। आपको देखना है कि बम फूटना कब स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर बम फटना स्टार्ट हुआ, तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके प्रिंट करना है,
ड्रीम टू लैपटॉप प्ले हिट कर देना है, ठीक है। फिर ओके कर दीजिए, जिसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको ये बम वाले वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है और इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। आप कितना हिसाब से बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर दीजिए, एडजस्ट करके। बड़ा होने के बाद आप इसका क्रोमा की कर लीजिए, क्रोमा की में जाइए, इनेबल कीजिए, इसको थोड़ा सेट कर दीजिए। इसका क्रोमा की होने के बाद आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप इस डॉट पर जाइए, फिर सेंड टू बैक कर दीजिए। अब आपको आगे जाना है, फिर ऑटो में जाना है, फिर वहाँ से आपको जो भी म्यूजिक चाहिए आप वहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ। ऑडियो आ जाने के बाद आप उसको एक बार पहले प्ले करके देखिएगा। पूरा वीडियो बन जाने के बाद आप ये शेयर वाले बटन पर जाइए, उसके बाद अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।